आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। काउंटडाउन जारी है, इतिहास देखने की तैयारी है। जी हां, मई के आखिरी रविवार यानी 28 मई को देश को गर्व का एहसास फिर एक बार होने वाला है, जब देश को एक नया संसद भवन मिलेगा। लेकिन इस नए संसद भवन को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम विपक्षी दल अपने उद्घाटन को लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि काउंटडाउन जारी है, इतिहास लिखने की तैयारी है। इसके तहत 28 मई को देश को नया संसद भवन मिलने वाला है। इस संसद भवन को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करी है, जिसको लेकर 19 विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है और आने वाले समय में इसका विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। हालांकि नए संसद भवन के साथ देश को एक नई ताकत मिलने वाली है, जिसको लेकर विपक्षी दल आड़े हाथों लेने को तैयार है इस मुद्दे को। आपको बता दें, संसद भवन तैयार है, उद्घाटन का इंतजार है। नरेंद्र मोदी संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसके तहत 28 मई को दोबारा नया संसद भवन मिलने वाला है। इस खबर पर संवाददाता हमारे साथ सुहानी जुड़ चुकी हैं। सुहानी, काउंटडाउन जारी है, नए इतिहास लिखने की तैयारी है, इसके तहत एक नया संसद भवन देश को मिलने वाला है, 28 मई को इसका उद्घाटन होने वाला है और इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने जबरदस्त रोष है और उसको पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि इसका विरोध करना ही करना है, क्या कहेंगे आप? जी मनीष, आपको बता दें कि 28 मई को जो नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं और यही मुद्दा जो है विपक्ष का उसको लेके खड़ा कर दिया है। विपक्ष के लिए एकजुट होकर उनका आज वो फैसला ले सकते हैं कि वो 28 मई को कहां पे जाके वो इसका बहिष्कार करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो देश के पहला एक व्यक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है वो एक संसद भवन पर उनका पूरा तरह से अधिकार भी है। उनका ये भी कहना है कि आर्टिकल जो 101 और कानून अब जाकर देख सकते हैं कि संसद में पूरी तरह से अधिकार जो है हमारे राष्ट्रपति का होता है और उनका पूरा अधिकार है कि संसद उद्घाटन हो तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही करे। लेकिन वही दूसरी तरफ जो इसका उद्घाटन है वो जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उसका मुद्दा पूरी तरह से जो विपक्ष दल है उसको बना के वो केंद्र सरकार पे हमला कर रही है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि 28 मई को हम संसद भवन के सामने इसका बहिष्कार करेंगे, हम इस जो उद्घाटन समारोह में हम शामिल नहीं होंगे। और आपको बता दें, इसमें 19 विपक्षी दलों पूरे एकजुट होके और इसमें तमाम जो नेता हैं वो अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। 21 मई को राहुल गांधी पहली बार इसे ट्वीट करके कहा था कि ये पूरी तरह से द्रौपदी मुर्मू जी का ये अपमान है और उनके घोर अपमान किया जा रहा है। वही पहले जो राष्ट्रपति थे उनका भी अपमान किया गया और इस बार भी अपमान भी किया जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री मोदी है वो एक सिर्फ प्रधानमंत्री है लेकिन वही राष्ट्रपति जो है हमारे पूरे देश की एक पहली व्यक्ति है, वो उनको कहा जा रहा है कि उनका पूरा अधिकार संसद पे है तो उन्हें ही ये उद्घाटन करना चाहिए। लेकिन अब ये पूरा मुद्दा जो एक बहुत बड़ा एक बनता जा रहा है और ये 28 मई के पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर इस पे बहिष्कार करेंगे। जी मनीष, सुहानी, कौन कौन सी मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं इन 19 विपक्षी पार्टियों में जो इसका बहिष्कार करने के लिए तैयार हैं? कुछ पार्टियों के बारे में बताइए, उनका क्या इस पे निराशा, क्या उनकी रणनीति नजर आ रही है आपको उस पे? जी मनीष, सबको बता दें, इसमें टीएमसी से लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जितने भी नेता है विपक्ष के सभी इसमें पार्टियां जो है। यही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो उन्होंने भी इस पर ट्वीट करके कहा कि पूरी तरह से राष्ट्रपति का अपमान है। वही आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो जात है, आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है, निज जाति का यहाँ पे अपमान किया जा रहा है। तो ये जब से बीजेपी सरकार आई है सिर्फ जो नीचे जात का ही अपमान करने का ही सोच रखा है। वही जो शशि थरूर है वरिष्ठ नेता, उनका भी ये कहना है कि पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि आर्टिकल में भी दिया गया है कि सांसद पे जो अधिकार होता है वो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ही है, तो पूरी तरह से उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का करना चाहिए। अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है अलग अलग पार्टियों के जो नेता हैं उनका आ रहा है। जी मनीष, बीजेपी के पदाधिकारियों का इस पे क्या कहना है, क्योंकि इतनी विपक्षी पार्टियां उनका विरोध कर रही हैं, तो उस पे भाजपा की तरफ से क्या बयान अभी तक आया है?
जी बता दें आपको कि बीजेपी ने भी इसे पलटवार किया। उनका शास्त्र पर कहना है कि जब 1975 और इंदिरा गांधी ने भी जो अनैच्छिक संसद का उद्घाटन किया था और 1987 में जो राजीव गांधी ने भी एक लाइब्रेरी संसद का उद्घाटन किया था तब तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वही जब हमारे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं, नए संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, एक नई जो इतिहास उस पर गढ़ने जा रहे हैं, एक हमें नई संसद भवन मिलने जा रहा है, तो आखिर विपक्ष दल को इस पर इतना आपत्ति क्यों जताया जा रहा है? क्योंकि ये पूरे देश के लिए संसद भवन ना कि सिर्फ इस पे बीजेपी ही राज करेगी, तो ऐसे तमाम जो पलटवार जो विपक्ष पार्टी भी अपना कर रही है, इससे बचाव कर रही है। वही आपको बता दें कि 28 मई को जो वीर सावरकर के जो जन्मतिथि पे जो ये उद्घाटन किया जा रहा है उसके भी लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। हमने अभी आम जनता से भी इस पे भी बात किया, तो आम जनता का कहना है कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी का जो ये फैसला है कहीं हद तक सही है, क्योंकि उन्होंने इसका सपना देखा था, एक नए संसद का जो हम लोग को उपहार दे रहे हैं, तो ये सिर्फ बीजेपी का ही नहीं है, पूरे सरकार का है, पूरे देशवासियों का इस पर अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये सही है, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति होती हैं वो किसी भी सदन की सदस्य नहीं है, वो एक हमारे राजा होती है, एक प्रधान एक राष्ट्रपति है, तो कहीं ना कहीं उनका अपमान नहीं किया जा रहा है। ये जो भी फैसला है कहीं हद तक सही है बीजेपी का, तो इसमें जनता भी अपनी राय खुल के दे रही है और वो प्रधानमंत्री मोदी के ही फैसले में उनका साथ दे रही है। जी मनीष सोहानी, एक नया इतिहास लिखने की तैयारी है ये, इसकी अगर बात करें तो भाजपा की तरफ से क्या तैयारी इस पे नजर आ रही है और सरकार की तरफ से? बता दें आपको मनीष कि 28 मई को जो ये उद्घाटन होने जा रहा है नए संसद का, एक नया एक तैयारी हो उस पे तैयारी आप समझ सकते हैं। ये 4 मंजिला है और कहीं ना कहीं इसमें सैकड़ों लोगों का इसमें बैठने का भी बहुत अच्छा एक भव्य संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा है और इसे आज से उसपे जो 28 मई को जो उद्घाटन होगा उसे लेकर तैयारियां जो है बीजेपी सरकार पूरी धूमधाम से इसकी तैयारी कर चुकी है और इसमें तमाम जो पार्टी के लोग हैं उसे भी इसे इन्वाइट किया गया था, लेकिन उनका पूरी तरह से इसे बहिष्कार करने का उन्होंने मन बना लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी उस दिन उद्घाटन करेंगे और उस दिन वीर सावरकर का जन्मदिन वो है जो कि जन्मतिथि है, तो उस पे भी लेकर पूरी तरह से जो विपक्ष है उसे मुद्दा बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष दल जो है इन सब चीजों को मुद्दा बना के घेर रही है केंद्र सरकार को, लेकिन बीजेपी सरकार जो है वो इन चीजों को इग्नोर करके उसे करके वो जो संसद नया जो उद्घाटन हो रहा है उसकी तैयारियों में जुटी हुई है और पूरी तरह से इसे धूमधाम से नया संसद जो है पूरे देश को एक उपहार में दे रही है। और आपको बता रही है कि जो पहले जो आप देख सकते हैं संसद भवन का जो आप देखे होंगे उसका किस तरह से जर्जर हालत में हो गया था, वहां पे बैठने के भी तमाम लोगों की व्यवस्था नहीं थी, तो इस तरह से जो नए संसद भवन का जो एक उपहार मिल रहा है हमारे देश को, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये सही देश के लिए है, एक इतिहास बनने जा रहा है कि नए संसद भवन इस तरह से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष इस पे जो मुद्दा बनाई है पूरी तरह से जो जो जनता भी है वो सरासर इसको गलत मान रही है और प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वानी, जहां विपक्षी इस उसको मुद्दा बनाने की कगार, वहीं बीजेपी काफी हद तक खुश नजर आ रही होगी, लेकिन आम जनता की इसमें क्या राय नजर आ रही है आपको? बताया आपको कि हमें जो अभी हमने आम जनता से बात किया, लखनऊ के जो आम जनता है उससे हमने बात करने की कोशिश, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फैसला लिया है बहुत हद तक सही है, क्योंकि ये सिर्फ एक बीजेपी सरकार को ही ये संसद नहीं मिल रहा है, पूरे देशवासियों के लिए है, तो हमें ये सिर्फ सोचना चाहिए कि जो हमें संसद मिल रहा है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा सही होगा। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ये अपमान नहीं है, वो हमारे किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, वो हमारे देश के एक राजा है, वो पहली व्यक्ति है, तो अगर इसका उद्घाटन में नहीं भी शामिल हो रही है तो ऐसे कोई बड़ी मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो हर चीज का उद्घाटन कर रही है। वहीं जनता का कहना है कि इससे कई बार जो है प्रधानमंत्री मोदी जो प्रधानमंत्री जो है कई संसदों का उद्घाटन कर चुके हैं, तब तो जो विपक्ष दल इसे मुद्दा नहीं बनाई, लेकिन आखिर क्यों जब प्रधानमंत्री मोदी इस चीज का उद्घाटन कर रहे हैं संसद भवन का, तो आखिर क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? जनता भी यही सवाल विपक्ष दलों से कर रही है। जी मनीष सोहानी, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निकाय चुनाव में मिली करारी हार और लोकसभा की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार बैठक कर रही है। यह बैठक अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुई जिसमें कई विधायक और बड़े नेताओं को शामिल किया गया। इस बैठक में निकाय चुनाव में जिन लोगों को पार्टी की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया उन नामों पर चर्चा भी की गई। इन सबसे ऊपर सपा के दोनों MLC प्रत्याशियों ने पत्र लिखा। इस पत्र के जरिए दोनों प्रत्याशियों ने बीजेपी समेत कई दलों के नेताओं से समर्थन की अपील भी की है। आपको बता दें सपा के MLC प्रत्याशियों ने समर्थन मांगा है। अखिलेश की चिंता और मंथन जारी है क्योंकि निकाय चुनाव में उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, जो
उनके अनुरूप चुनाव का फैसला नहीं आया, उसको लेकर आज अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधायक और प्रदेश के संगठन के विश्वसनीय लोग भी शामिल हुए हैं। इस खबर पर संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, निकाय चुनाव में मिली करारी हार को लेकर लोकसभा और तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने बैठक करी है, उस बैठक में उनके संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं और उनके सहयोगी भी हैं, क्या कहेंगे इस पे और क्या किस प्रारूप को लेकर बैठक करेगी? क्या 2024 की लोकसभा को लेकर उन्होंने बैठक बुलाई है कि आगे की रणनीति को लेकर बैठक बुलाई है? ये क्या निष्कर्ष निकल के आया इस बैठक में? जी मनीष जी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी दफ्तर में आज लगभग 3 घंटे कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार को लेकर और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को कैसे अपने पक्ष में किया जाए इसको मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी समेत लखनऊ के सेंट्रल से विधायक रविदास मधोत्वा एवं तमाम विधायक मौजूद रहे। इस बैठक से साफ तौर से जिन नेताओं के कहीं ना कहीं बात करें तो जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहीं ना कहीं पार्टी के गाइडलाइन से विपरीत जाकर और निर्दल और साथ ही साथ कहीं ना कहीं किसी और दल के नेताओं को समर्थन दिलाया है उनके ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा की गई है। आने वाले दिनों में माना जा रहा है गाज गिरेगी। आपको बताएं कि ऐसे तमाम बगावती नेताओं पे आज चर्चा की गई है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लिस्टिंग जो तैयार की है उसके आधार पर कहीं ना कहीं पार्टी से उन्हें निष्कासित किया जाएगा। और साथ ही आपको बताएं कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य बगावतियों पर कार्रवाई और उनकी लिस्टिंग था। और दूसरी बात अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राजनीतिक दलों की तैयारियों में है तो वही समाजवादी पार्टी भी अपने कई सारे अभियान और कार्यक्रम चलाने वाली है प्रदेश भर के अंदर। साथ ही माना जा रहा है कि अखिलेश यादव एक बार फिर साइकिल लेकर अब प्रदेश के अंदर में साइकिल यात्रा करते हुए नजर आएंगे, इसको लेकर भी चर्चा हुई, इसके रूट मैप पे बात हुई। आपको बता दी मनीष जी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और समाजवादी पार्टी अपना फोकस 50 सीट पर रख रही है। आपने देखा कि बीते दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की तरफ से बयान दिया गया कि समाजवादी पार्टी 50 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि समाजवादी पार्टी इस बैठक के बाद किन किन कार्यक्रमों को करती है, अभी इसका जानकारी नहीं दिया गया है और बगावतियों के साथ। विभांशु, आज नेताओं की बैठक हो रही है, इसमें निकाय चुनाव में करारी शिकस्त को लेकर अखिलेश यादव ने अपने साथ बैठक करी है, इस बैठक में आगे भी क्या निष्कर्ष निकलता है 2024 के लोकसभा को लेकर, लेकिन क्या उन्होंने इन शिकस्त को लेकर किन कारणों पे विचार विमर्श किया है और आगे की उनकी रणनीति आपको क्या नजर आ रही है? जी बिल्कुल, साफ तौर से अगर देखा जाए तो आज की बैठक से इसी बात को निर्देशित करते हुए अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को नजर आए कि जो बगावती नेता है उनकी लिस्टिंग कर दी गई है और आने वाले दिनों में कार्रवाइयों का दौर शुरू हो जाएगा। और साथ ही 2024 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही है 2012 से 2017 तक उसमें तमाम जो विकास कार्य किए गए हैं उसको कार्यकर्ता जन जन तक बताए और साथ ही आने वाले दिनों में सपा ऐसे कई सारे अभियान और कार्यक्रम रखने वाली है उस पर नेताओं के साथ चर्चा हुई है, उनके भी फीडबैक लिए गए हैं। और आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि सपा अपने कार्यक्रमों से लोकसभा चुनाव में कितना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए है उसको टक्कर देती है वो आने वाला समय बताएगा। जी मनीष जी, शुभम, ये 2 MLC सपा के हैं जिनका जिन्होंने बीजेपी समर्थन मांगा है, ये क्या प्रकरण है पूरा? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं। आपको बताएं कि 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और 29 तारीख को इस पर कहीं ना कहीं मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां 2 प्रत्याशियों के नामांकन करा दिए गए, उम्मीदवार का नाम का घोषणा हो गया, तो वही सपा की तरफ से भी राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है। कल देर रात एक पत्र कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिस पत्र में साफ तौर से तमाम विपक्षी नेताओं को खासकर पिछड़ा और दलित समाज के नेताओं को
लेटर के माध्यम से समर्थन देने की अपील कही गई। इसमें खास बात यह है मनीष जी कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सपा के उम्मीदवार की तरफ से समर्थन मांगते हुए एक लेटर दिया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भी यह लेटर दिया गया है और साथ ही दिनेश खटीक को भी दिया गया है और अपना दल एस के नेता और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और साथ ही साथ ओम प्रकाश भाजपा स्वतंत्र समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन तमाम पिछड़े और दलित नेताओं को कहीं ना कहीं पत्र के माध्यम से उनका समर्थन मांगा गया है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए उसकी साख दांव पे लगी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में विधान परिषद में 100 सीटें हैं और जिनके हाथ में कहीं ना कहीं विपक्ष बनने की एक चांस है वो सपा है। सपा के पास 100 सीट है, अगर सपा इन दो सीटों में से एक सीट निकालती है तो निश्चित तौर से जो विपक्ष की कुर्सी एक लंबे अरसे से खाली है उस पर सपा अपने आप को स्थापित करेगी। तो आपको बताया कि इस लेटर के माध्यम से कहा गया है दोनों प्रत्याशियों की तरफ से कि पिछड़ा दलित और वंचित वर्ग के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके समाज के उत्थान के लिए सरकार बिल्कुल काम नहीं कर रही है, ऐसा भाजपा नेताओं को लेटर के माध्यम से समाजवादी पार्टी के MLC उम्मीदवार कहते हुए नजर आ रहे हैं और समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि अगर विधान परिषद में हमें आप समर्थन देंगे तो निश्चित तौर से पिछड़ा और दलित वर्ग की आवाज हम विधान परिषद में उठाएंगे। जी यौनशु, अगर निकाय चुनाव की बात करें तो सपा को किन कारणों की वजह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उन्होंने किन मेन वजहों पर इस पे गौर किया गया है? जी बदी जी, अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव के कहीं ना कहीं नतीजों में सपा का कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो हालत थी, जो स्थिति थी वो काफी सपा की कमियां कहां रह गई, सपा की कमियां कहां रह गई, जनता पार्टी सपा की ऐसी कौन सी कमियां रह गई जिसे निकाय चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा इनको? जो आप बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्जनों से ऊपर सभा करते हैं, साथ ही साथ अगर बताएं कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट के तमाम मंत्री जाकर इस चुनाव को पूरी तरह से सक्रियता के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं, मगर प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव महज 5 ही रैली करते हैं और जब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त वो कहीं ना कहीं कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और साथ ही सपा के जो तमाम नेता थे वरिष्ठ उनकी तरफ से इस तरह की कोई मेहनत नहीं की जैसे भाजपा की है, जिसका नतीजा कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम में देखने को मिला। देखने वाली बात यह होगी कि क्या निकाय चुनाव से सबक लेकर और समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे चुनावी प्रचार को अपना धार देती है और कैसे एक टक्कर देती है वो आने वाला समय बताएगा, मगर समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जो कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है उससे सीखने की जरूरत है कि चुनाव को कैसे लड़ा जाए और जनता के बीच जाकर कैसे संवाद स्थापित किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में अभी सभी राजनीतिक दल स्थिर हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी से अपने कार्यक्रमों को तय कर चुकी है और आपको बता दें कि 30 मई से 30 जून तक प्रदेश और साथ ही साथ देश के अंदर में कई कार्यक्रम कर रही है, मगर तमाम विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अभी तक 2024 खबर में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 25 मई से शुरू हो रहे इस आयोजन में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इसी के साथ ही लखनऊ के BBD यूनिवर्सिटी में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत प्रदेश के तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। यूपी के खेल निदेशक RP सिंह ने इस आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में 208 विश्वविद्यालयों के 4,700 से ज़्यादा खिलाड़ी इस आयोजन का हिस्सा लेकर उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। 25 मई से 3 जून तक नोएडा, लखनऊ, बनारस और गोरखपुर में 21 खेलों का आयोजन होगा। इन खेलों के जरिए युवाओं को आगे चलकर प्रदेश और देश के लिए भी खेलने का मौका मिलेगा।
इस खबर पर संवाददाता हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने वाला है जिसमें नरेंद्र मोदी वर्चुअली माध्यम से उसका उद्घाटन करने वाले हैं, इसको लेकर आपके पास ताजा जानकारी क्या है और तैयारियों की क्या रूपरेखा बनती नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल मनीष, ये पहली बार हो रहा है कि जब खेलो इंडिया का आयोजन जो है वो देश भर में इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है। कल उत्तर प्रदेश में 25 मई से लेकर 3 जून तक जो है खेलो इंडिया का आयोजन होना है और कल बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय में बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे, खेल निदेशक मौजूद रहेंगे और जो राज्य मंत्री है, खेल राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, वो भी मौजूद रहेंगे और तमाम पदाधिकारी जो है इस आयोजन में शामिल होंगे। मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े पैमाने पर पहली बार देश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो रहा है ताकि जो प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं मौके की तलाश में रहते हैं, जिनको मौका मिलने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति दिखा सकते हैं, उनको एक मौका मिल सके, एक प्लेटफॉर्म मिल सके उनको अपने प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन करने का, जिस हिसाब से सरकार ने खिलाड़ियों को देखते हुए और खेल के क्षेत्र में देखते हुए तमाम प्रकार की सुविधाएं जो है उपलब्ध करा रही है, तमाम मौके उपलब्ध करा रही है। हमने देखा था कि लगभग एक महीने पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अलग अलग जनपदों के जो खिलाड़ी थे अंडर 16 से लेके अंडर 18 तक उनको सम्मान किया गया था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे, बाकायदा एक कहा गया था कि खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी आगे आए, हम उन्हें अवसर दे रहे हैं और किसी प्रकार की संसाधन की कमी नहीं होगी। हम आपको बता दें कि कुल 208 यूनिवर्सिटीज के 4700 से ज्यादा खिलाड़ी विभिन्न विभिन्न स्पर्धा में भागीदारी करेंगे और अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन करके अपना नाम जो है, अपने जिले का नाम जो है, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और आने वाले समय में जो ओलंपिक्स होते हैं उनके लिए बकायदा कंसिडर किए जाएंगे। तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे कोच जो है वो पूर्व ओलंपियन रह चुके हैं या हॉकी खिलाड़ी हैं, यानी ऐसे लोगों को कोचिंग स्टाफ से जोड़ा गया है जिनके अच्छा खासा इस खेल में अनुभव रहा है, इस खेल के क्षेत्र से वो निकल के आते हैं। युवाओं में कितना उत्साह इसको देखने में मिल रहा है क्योंकि ये खेल यहाँ होने वाले हैं, उसको लेकर आप जनता की क्या राय है, उनका क्या कहना है और जो खिलाड़ी हैं स्पेशली उनका इस पे क्या अपना बयान इस पे उन्होंने दिया है और कितना उत्साह उनके अंदर नजर आ रहा है क्योंकि खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं इससे मनोबल मिलता है? जी बिल्कुल, उत्साह तो बिल्कुल मिलेगा अगर किसी भी खिलाड़ी को अगर उसके अनुरूप मौका मिलता है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका होता मिलता है तो उसको उत्साह की कमी नहीं होती है, वो सभी खिलाड़ी जो है वो उत्साह से लबरेज है और कल के दिन का बाकायदा बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो राजधानी लखनऊ, गोरखपुर, बनारस और गौतम बुद्ध नगर में आयोजन होने हैं, बाकायदा 25 मई से 3 जून तक ये आयोजन होने हैं और तमाम अलग अलग स्पर्धाओं के खिलाड़ी जो है अलग अलग स्पर्धा में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने प्रतिभा का अनुरूप जो है वो प्रदर्शन करने में ये सभी खिलाड़ी सक्षम है। खेल निदेशक यूपी बकायदा आर के सिंह और आर पी सिंह ने यह बताया कि जिस तरीके से कुल 208 विश्वविद्यालयों के 4700 से अधिक खिलाड़ी भाग लेने आ रहे हैं तो उत्साह का आलम कैसा है ये आंकड़े ही बता रहे हैं, जिस हिसाब से लगभग 5000 खिलाड़ी जो है इस आयोजन में भाग ले रहे हैं, खेल के आयोजन भाग ले रहे हैं, अलग अलग स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं और अपनी प्रतिभा को दिखाने का उनको इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं मिल सकता है क्योंकि अगर बात की जाए भारत में तो पूरे भारत की अगर बात करें तो क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है, एक ऐसा खेल है जो पूरे देशवासियों की जुबान पर रहता है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय खेल हॉकी है, वहां तक की बात करें तो अन्य स्पर्धाएं भी है खेल के रूप में जहाँ पे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे बेसबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो या फिर जिमनास्ट हो या एथलीट हो, तमाम ऐसी स्पर्धाएं हैं जहाँ पे कई खिलाड़ी भाग लेते हैं, अपनी प्रतिभा के अनुरूप प्रदर्शन करते हैं और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो उत्साह की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है और आयोजन के लिए शासन प्रशासन ने बाकायदा पुख्ता तरीके से ये आयोजन कराने के लिए तमाम दिशा निर्देशों के अलावा सभी प्रकार के चीजें कराई जा रही है, तमाम पुख्ता व्यवस्थाएं की गई है ताकि आयोजन के लिए किसी प्रकार का संशय न बना रहे। विवेक, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इन खिलाड़ियों के लिए और सुरक्षा की क्या व्यवस्था वहां पे आपको नजर आ रही है? देखिए अगर बात की जाए तो सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन ने तमाम इंतजार किए हैं, तैयारियों को पुख्ता बनाने के तमाम इंतजार किए हैं और बाकायदा अगर देखा जाए तो गर्मी का महीना है, वाटर कूलर से लेकर पानी की व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए नाश्ते की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आराम की व्यवस्था, यानी हर प्रकार के जो इंतजाम है वो मुहैया कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ताकि इतने बड़े लेवल का आयोजन हो रहा है किसी प्रकार की कोई भी कमी आयोजन स्तर पे न दिखाई दे और किसी प्रकार की जो तैयारियों में कमी के अलावा ऐसी कोई
घटना भी ना हो जिससे उत्तर प्रदेश सरकार का या आयोजन कराने वालों का शिक्षा ले रहे हो। इस प्रकार शासन प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम से लेकर तमाम तैयारियों की पुख्ता बंदोबस्त की हो गया। मनीष, इस खबर पर जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। बीजेपी भी चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को धार देने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में अब खबर सामने आ रही है कि यूपी में बीजेपी के कई मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। रायबरेली, प्रयागराज, उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, बलिया, मैनपुरी जैसी सीटों पर बीजेपी अपने मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियाँ तेज कर दी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, उसी के तहत अब वो लोकसभा की तैयारी में लग गई है 24 के। और इसी तरह जो जानकारी सामने आ रही है, इसमें वो अपने मंत्रियों को भी इस चुनावी मैदान में हाथ आजमाने के लिए उतार सकती है। इस खबर पर संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बीजेपी भी चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को धार देने पर जोर दे रही है, और उसी क्रम में अब एक चीज नई सामने आई जिसमें यूपी में बीजेपी कई मंत्रियों को भी मैदान में उतार सकती है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मनीष, चुनाव है ना, बीजेपी जितना हैट्रिक की तैयारी में लगी है, लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी द्वारा यहाँ पे हैट्रिक मारी जाए, तो ये बयान बीजेपी के नेता द्वारा कहेगा। यहाँ पर जनसभा अभियान भी चलाया जाएगा, 30 बजे अभियान चलाया। इसके अलावा की मत बात है कि आपका यहाँ पर 1 जून से 20 जून तक यहाँ पर 80 रैलियां भी होंगी, जहाँ इस रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम हमारे नाम है संबोधित करते नजर आएंगे। जनता को स्थापित करेंगे। इसके अलावा बीजेपी कहना यह है कि जो लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर उनको तगड़ी तरह से चुनौती मिलती है, वहां पर जो अपने मंत्री है जिनका अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ है या जिनका अपना नाम है और जिन्होंने अपना एक कद बढ़ाया हुआ है, जनता की जिनकी छवि बहुत साफ है, उनको यहाँ पर चुनाव में लड़ सकते हैं। जो कानपुर की बात करें, चाहे पीलीभीत की बात करें, चाहे बरेली की बात करें, तमाम ऐसी जगह है, चाहे हम आजमगढ़ की बात करें, चाहे जौनपुर की बात करें, चाहे बलिया की बात करें, तमाम जगह पर बीजेपी का सोच रहा है जो बड़े मंत्री है, जो बड़े नाम है, उनको लड़ाएंगे और बीजेपी को यहाँ पर लाभ उठाने की तैयारी में है। और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र इसका अपना प्रार है, उसकी तहत में यहाँ पर कई बड़े नाम को यहाँ पर चुनाव में जा सकती है, लोकसभा चुनाव में लड़वा सकती है। मनीष, गौरव, दोबारा बीजेपी मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, क्या उनके पास कोई और अदर ऑप्शंस नहीं है या फिर कहीं वो डरी हुई है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद स्थितियां कहीं कमजोर ना हो जाए, कहीं कोई सीट लूज ना कर जाए, क्या इसके तहत कोई रणनीति बनाई जा रही है? नहीं, डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा, कोई अगर आप छोड़ेंगे तो आपको नुकसान होगा। पिछली बार के जो प्रदर्शन था उसको बेहतर करने की कवायद में बीजेपी यहाँ पर 80 लोकसभा जीतने की बात कर रही है, तो अगर आपको 30 सीटें जीतना है या आपको 17 सीटें जीतना है, इससे आपके कुर्सी के रास्ता साफ हो सके, तो यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों बस इतना है। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।